आदाब, मैं मुजम्मिल हुसैन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। चाय पर चर्चा बिहार में आम बात है। हम चाय की दुकान पे हैं यहाँ और देख सकते हैं कि यहाँ का कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार बिहार में क्या समीकरण होगा और किस करवट मुठ बैठे। कुछ लोग हैं जो बिहार के मतदाता हैं और जागरूक मतदाता हैं, वो इस बार क्या निर्णय लेते हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार बिहार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे और बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बार की भागीदारी टिकटिया मारामारी, जनता जो है मालिक है वोट का, लेकिन आज के परिवेश में तमाम पार्टियों ने उलझा रखा है ये मामला कि किसी को टिकट नहीं और किसी का विकेट नहीं। ये स्थिति है जिसमें आम जनता क्रोधित है और काफ़ी आक्रोश व्यक्त कर रही है। पूछने पर तमाम लोगों की ये नीतियाँ बता रही है कि बबुआ अभी तक तो टिकटे ना आए, टिकट पर चढ़ के नेता चल गई हैं विधानसभा, हमनी के कौन जरूरत बा। आज के डेट में जो भी परिवेश है, जो भी लोग की सोच है, वो लोग टूट रहे हैं इन बड़े नेताओं की आँख में चौली के चलते। सीट एक अनार और 100 बीमार की स्थिति है बिहार में। इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? ये लोग सारे लोग को मूर्ख बना रहे हैं, तो मूर्ख मंत्री होगा, मुख्यमंत्री कहाँ से होगा। जो वर्तमान स्थिति है आज चुनावी इस कोरोना बेला में, अभी तक चुनाव की प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, ना कोई कार्य हुआ, आप किस बेस पर आप पूछेंगे जनता से? जब मेरा प्रतिनिधि कौन है यही पता नहीं है तो वोटर की क्या औकात है। चलिए, मैं कुछ और लोग हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। इस बार का मुख्यमंत्री कौन है? इस बार के मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि आरजेडी से ही होंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी के जीतने का कोई चांस नहीं। बीजेपी ने सिर्फ लोगों को छलावा किया है, ना कि बाढ़ में किसी की सहायता की और ना ही लॉकडाउन में किसी को सही से राशन मिला। बीजेपी नाम की बीजेपी सरकार बनी है, पहले जैसी बीजेपी सरकार में कोई बात नहीं है। बीजेपी सरकार लोगों के साथ छलावा कर रही है और इस छलावे को इस बार लालू यादव की सरकार तोड़ेगी।